बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास बटे में ए ओटा वाली रकम हो तो उसको हम ए प्लस बी ओटा की शक्ल में कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फिर हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है -2 बटे 1 प्लस एटा ए प्लस बी एटा की शक्ल में लिखें। ये स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लिखते हैं। हमने हूबहू अपना क्वेश्चन लिखा, जरब क्या करेंगे ये बात आपने याद रखनी है। ये तरीका आप जहनशीन कर लें, हर सवाल जिसमें बटे में एटा होगा हम क्वेश्चन वैसे लिख के जो बटे वाली रकम होगी उसको हम जरब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे, लेकिन दरमियान वाली अलामत उल्टा देंगे। जैसे हमारे क्वेश्चन में 1 प्लस एटा है तो हम दरमियानी अलामत उल्टा के 1 प्लस एटा की जगह पे 1 माइनस एटा से जरब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। अगर हमारे पास जरब माइनस होती तो हमने उसको चेंज करके प्लस लिख देनी थी। 1 प्लस एटा है तो हम माइनस वाली रकम से जरब तकसीम करेंगे, माइनस होगी तो प्लस वाली जरब तकसीम करेंगे। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, आम जो जरब होती है जैसे ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से जरब हो जाएगी, नीचे वाली रकम को हम नीचे वाली से जरब करेंगे। -2 जब ऊपर वाली रकम से जरब होगा तो -2 × 1 -2 आंसर आएगा, -2 और माइनस एटा माइनस माइनस प्लस 2 एटा आंसर आ जाएगा। बटे में अगर हम देखें सेम रकमें हैं दोनों बटों के नीचे, ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका फार्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला होता है ए टू माइनस बी टू, 1 का स्केयर माइनस बी टू एटा का स्केयर। अगले स्टेप में हम एक बटे हुए रकमों को मजीद हल करते हैं, 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, माइनस वैसी आ गई और एटा स्केयर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी -1। ऊपर की रकम दोबारा हम वैसे लिख देते हैं, बटे में हम देखते हैं -(-1) +1 बन जाएगा। बटे ऊपर दोनों रकमों में 2 मौजूद है, 2 हम ले लिया कॉमन, बाकी हमारे पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -1 + 2 एटा में से 2 कॉमन जाने के बाद एटा बच गया। बट के नीचे अगर हम देखें 1 + 1 2 आंसर आएगा। अगले स्टेप में अगर हम देखें तो 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, इस 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 + एटा हमारा फाइनल आंसर है। ये स्टूडेंट्स, मजीद वीडियोज देखने के लिए हमारा YouTube चैनल ज़ुबैर DTE विज़िट करें। खुदा हाफिज़।